हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका सेपरेशन टेक्निक से पहले जितना भी है कंटेंट, उसका रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर अपलोड है यूट्यूब चैनल पे हमारे, वो सेपरेशन टेक्निक का है, वो लगभग 50 मिनट का है, जिसमें हमने रैपिड रिवीजन में सारा डिस्कस किया है कि कैसे हम सेपरेट करेंगे मिक्सचर को। तो आज हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, कोलाइडल क्या है, सस्पेंशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो जो हमारा और होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा, जो आपका है सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन निकालने पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट पे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमको पता है कि मिक्सचर जो है केमिकल बेसिस पे दो टाइप में जनरली क्लासिफाई किया गया है। ये आपका मैटर, ठीक है। मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस विच हैव मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो स्थान लेता हो, जो जगह लेता हो, जिसके पास मास हो, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, जैसे आपका पेन हो गया, टेबल हो गया, वाटर हो गया, है ना, ये सब क्या है? मिक्सचर है, ठीक, सॉरी मैटर है। अब ये मैटर नेचर में केमिकल बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे दो टाइप का होता है। एक होता है प्योर और एक होता है मिक्सचर, जिसको इम्प्योर भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर, ठीक है। तो प्योर और इम्प्योर मैटर, या यू कैन से प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है और प्योर सब्सटेंस क्या है, इसको देखेंगे। देखिए, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हो, या सिमिलर काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया, ये सब प्योर है। जैसे आपका लोहा है, लोहा एक एलिमेंट है, वो प्योर है। उसका तांबा है, प्योर है, एल्युमिनियम है, प्योर है, गोल्ड प्योर है, ठीक है, वो सब एलिमेंट के कैटेगरी में आता है। और कंपाउंड, जैसे हम लोग पानी पीते हैं H2O, वो क्या है? कंपाउंड, वो प्योर है। उसके बाद जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वो क्या है? प्योर है। ग्लूकोज हम लोग के फॉर्म में एनर्जी रहता है, ये प्योर है। चीनी हम लोग खाते हैं, ये प्योर है। नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो प्योर है। तो कहने का मतलब, प्योर वो सब्सटेंस है जो क्या हो? केमिकली कंबाइन हो। क्या है? केमिकली कंबाइन हो, और जिसको हम केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैटर दो टाइप का, प्योर सब्सटेंस आर मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ वन सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल और मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल इन फिक्स रेशियो इज़ नोन एज प्योर सब्सटेंस। अगर सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है तो वो आपका एलिमेंट होगा, और एक या दो से ज़्यादा काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है तो वो आपका कंपाउंड होगा, क्लियर। जैसे सपोज़ कीजिए ये कोई एलिमेंट है, तो इसमें जो पार्टिकल होगा सब, ये गोल गोल वाला जो हम बता रहे हैं, ये सब गोल गोल वाला, ये सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल है। उसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल काइंड ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है तो वो आपका क्या है? एलिमेंट है। और अगर दो या दो से ज़्यादा काइंड ऑफ इससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है, तो वो क्या है? आपका कंपाउंड है। लेकिन कंपाउंड केमिकली कंबाइंड होगा। कैसे? केमिकली कंबाइंड, उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे सेपरेशन टेक्निक में हम लोग देखे थे कि फिजिकल मीन्स से हम उसको सेपरेट कर देते थे, वैसे नहीं होगा। जैसे देखिए, इसमें आप देख रहे हैं, ये पिंक वाला एक हो गया, और एक किसी दूसरे कलर का हम ले लेते हैं, ये ब्लू वाला हो गया। तो इसमें दो काइंड ऑफ पार्टिकल हो गया, ठीक है। इसमें दो काइंड ऑफ पार्टिकल, या यू बोलिए कि दो काइंड ऑफ एटम। तो ये दो काइंड ऑफ एटम से मिलके बना, और ये सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलके बना। तो जो सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलके बनेगा उसको एलिमेंट बोलेंगे, और जो दो या दो से ज़्यादा काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके बनेगा केमिकली, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे।
ठीक है। तो एलिमेंट का जो एग्जांपल है, जैसे आपका लोहा हो गया एफी, सोना चांदी है ना, तांबा कॉपर, ये सब क्या हो गया, टोटल कितना है 118 एलिमेंट है, क्लियर। उसके बाद कंपाउंड H2O, पानी CO2, चीनी नमक अल्कोहल, ये सब क्या है, कंपाउंड हो गया, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। अब देखिए, और प्योर सब्सटेंस को तो आप आसानी से डिफाइन कर लीजिएगा, प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एलिमेंट या मोर देन टू और मोर देन टू काइंड ऑफ एलिमेंट बट इन फिक्स रेशियो और केमिकली कंबाइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर की, इम्प्योर की। देखिए, मिक्सचर वो होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो या कंपाउंड हो आपस में मिला हुआ, फिजिकली क्या हो, फिजिकली मिला हुआ। अब फिजिकली मिलने का क्या मतलब है, जैसे देखिए पानी है आपके पास, उसमें आप क्या किए, फिजिकली इसमें मिट्टी मिला दिए, तो ये एक आपका क्या हो गया, हेटरोजीनियस मिक्सचर हो गया, सॉरी ये आपका मिक्सचर हो गया यानी इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। तो यहाँ पे आप फिजिकली मिलाए हैं, ये क्या, उसको आप फिर सेपरेट भी कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से पास कीजिएगा तो मिट्टी का कण अलग हो जाएगा, पानी का कण अलग हो जाएगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन अगर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर, मिक्सचर समझ ही रहे हैं, किसी दो दो या दो तीन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का क्या मेल, मिलावट, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं खरीदने जाते हैं तो उसमें देखते हैं मिला देता है कंकड़ वगैरह, तो वो भी मिक्सचर हो गया, ठीक है। पानी में रंग घोलते हैं, वो भी मिक्सचर हो गया। चीनी शरबत का घोल बनाते हैं, वो भी मिक्सचर हो गया। नमक पानी का घोल बनाते हैं, उसको वो भी मिक्सचर हो गया, ठीक है। जैसे आपका आयरन फिलिंग्स हो गया और बालू हो गया, ये भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो मिक्सचर फिजिकली कंबाइंड होता है और फिजिकली सेपरेट भी किया जा सकता है, क्लियर। तो मैटर दो टाइप का, प्योर और इम्प्योर, इम्प्योर बोले तो मिक्सचर, ठीक है। अब ये प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड और एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट, एलिमेंट सिंगल काइंड ऑफ एटम से, कंपाउंड टू और मोर देन टू काइंड ऑफ एटम से लेकिन केमिकली, और इसको इम्प्योर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब समझते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखिए ये जो है आपका इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर, इसको दो टाइप से डिवाइड दिया गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल एक साथ मिला हुआ हो लेकिन उन दोनों के बीच फर्क नहीं पता चले, उसका जो पार्टिकल होगा, सॉल्यूट पार्टिकल, वो क्या होगा, होमोजीनियस, एक जैसा पूरे सॉल्यूशन में होगा, एक जैसा पूरे सॉल्यूशन में होगा। अब समझते हैं होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस जनरली जो है ना आपका, जैसे आप चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, तो चीनी पानी का घोल क्या होता है, उसमें आपको चीनी का पार्टिकल दिखता है, नहीं दिखता है। चीनी का पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है इसलिए वो नहीं दिखता है, 1 नैनोमीटर, कितना, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब 10^-9 मीटर, 10^10 बहुत छोटा पार्टिकल होता है इसका। तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन, और दूसरा एलोइज। होमोजीनियस मिक्सचर दो टाइप का, एक हो गया सॉल्यूशन, दूसरा क्या हो गया, एलोइज, ठीक है। एलोइज क्या होता है, दो मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल, ठीक है, उसको एलोइज बोलते हैं। जैसे आपका ब्रास हो गया है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर है जिसमें आपको सॉल्यूट पार्टिकल दिखेगा, जैसे पहले आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ लीजिए। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन दो सॉरी सॉल्यूशन जो बनता है, एक सॉल्यूशन अगर हमको बनाना है
ऐसे समझिए आप, सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है। अब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है उसको समझते हैं। देखिए ये आपका जार है कोई, इसमें पानी रखा हुआ है, क्या है? पानी, वाटर। इसमें हम चीनी मिला रहे हैं। अब ये क्या बन गया? चीनी पानी का घोल बन गया। तो पानी में क्या घुला है? चीनी घुला है। तो जो घुलता है ना उसको सॉल्यूट बोलते हैं, घुलने वाले को सॉल्यूट और घुलाने वाले को सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो घुलेगा वो सॉल्यूट और जो घुलाएगा जिसमें घुलेगा वो सॉल्वेंट। जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन हो गया एक, तो चीनी क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया और पानी सॉल्वेंट हो गया। नमक पानी का, तो नमक क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, पानी सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, क्लियर? समझ गए आप लोग सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट कौन होगा? जिसमें घुलेगा सॉलिड पार्टिकल। जैसे चीनी पानी में घुला रहे हैं तो चीनी सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए चीनी पानी का जो घोल होगा उसमें चीनी का पार्टिकल नहीं दिखता है, इसलिए उसको होमोजीनियस बोलते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर देख लीजिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो टाइप का है, कोलाइडल और सस्पेंशन। ठीक है, कोलाइडल और सस्पेंशन, कोलाइडल और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है। ये उसके पार्टिकल के साइज़ की वजह से है। देखिए कोलाइडल का जो, कोलाइडल जो है वो देखने में आपको कैसा लगेगा? होमोजीनियस लगेगा। जैसा ऐसा लगेगा जैसे आपका सॉल्यूशन ही हो। तो इट अपीयर होमोजीनियस, इट अपीयरेंस जो है इसका क्या है? होमोजीनियस है, बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस है। ये पता कब चलता है? जब इससे रोशनी को पास कराया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो वह स्केटर हो जाता है, जिसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसके ज़रिए से पता चलता है। जैसे एग्जांपल में आप इसका समझिए, चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर प्लस पानी, वो जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका कोलाइडल हो जाएगा। ठीक है, उसमें चॉक पाउडर आपको हल्का हल्का दिखेगा, वाइट वाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका ब्लड है, ब्लड भी एक कोलाइडल है। तीसरा आपका दूध, मिल्क, वो भी आपका कोलाइडल है। मिल्क देखने से लगेगा कि उसमें एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल है, या फिर पार्टिकल वो होमोजीनियस थ्रू आउट लगेगा बाहर से देखने में, बट जब उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाता है तो उसमें पार्टिकल क्या रहता है? एक जैसा कंपोजिशन में नहीं रहता है। और सस्पेंशन वो है जिसमें पार्टिकल का साइज भी बड़ा हो और जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो होमोजीनियस थ्रू आउट नहीं हो, एक जैसा हर जगह नहीं हो। जैसे आपका मिट्टी पानी का घोल, बालू पानी का घोल, ये सब क्या है? सस्पेंशन है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से लग गया होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर क्या है, इम्प्योर यानी मिक्सचर क्या है। मिक्सचर दो टाइप का, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब, होमोजीनियस मतलब पूरा एक जैसा सॉल्यूशन। सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल में कोई फर्क नहीं। हेट्रोजीनियस में फर्क दिखेगा नहीं लेकिन एक्चुअली में होता है। कोलाइडल इसमें फर्क दिखता है, ये सस्पेंशन। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके बना हुआ, फिक्स रेशियो में। एलिमेंट सिंगल काइंड ऑफ एटम से। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसका थोड़ा सा देख लीजिए ये जो क्लासिफिकेशन किया है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका ले लिया है मैटर, सॉरी सॉरी क्या हो गया जनाब। देखिए मैटर क्या हैज मास एंड टेक अप स्पेस। आप सिंपल भी डिफाइन कर सकते हैं, मैटर आर दोज विच हैज मास एंड टेक स्पेस। ठीक है, एग्जांपल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ईंटा, पत्थर, नमक, चीनी, पानी, जो भी लिख दीजिए, मैटर में सब आ जाएगा। उसके बाद प्योर सब्सटेंस में डिफिनिट कंपोजिशन, डिफाइन कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन क्या हो? फिक्स कंपोजिशन भी बोल सकते हैं कि हाँ इतना ऐसा, इतना 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 पार्ट ऑक्सीजन है, इतना पार्ट हाइड्रोजन है, जिसे वाटर में बोलते हैं।
एलिमेंट में वन काइंड ऑफ एटम और कंपाउंड में टू और मोर काइंड ऑफ एटम केमिकली। ये है आपका वेरिएबल कंपोजिशन। कंपोजिशन मिलावट एक जैसा नहीं होगा, इसमें होमोजीनियस इवनली मिक्स्ड एक जैसा मिक्स रहेगा, एक जैसा, जैसे आपका चीनी पानी का घोल, और हेट्रोजीनियस अनइवनली मिक्स एक जैसा नहीं रहेगा। अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है तो बताइए। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर को कुछ यहाँ पे डिफाइन किया है, उसको समझ लेते हैं। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मीन्स सेम, ठीक है। दीज मिक्सचर हैव वेरी स्मॉल पार्टिकल, दे आर इवनली स्प्रीड थ्रू आउट द मिक्सचर गिविंग यूनिफॉर्म अपीयरेंस। इसका अपीयरेंस कैसा होगा? यूनिफॉर्म, एक जैसा, ठीक है। कॉमनली रेफर एज ए सोल्यू, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, वही सॉल्यूशन। अब देख लीजिए, जैसे आपका हो गया एग्जांपल में साल्ट वाटर, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या एलवाइज हो गया, सोडा, कॉफ़ी, टी, कौन टी, जो छना हुआ हो, ठीक है। ये देख लीजिए, देखने में एक जैसा लग रहा है यहाँ, ठीक है। इसमें याद क्या रखना है, याद क्या रखना है कि इसका जो अपीयरेंस है यूनिफॉर्म होता है, अपीयरेंस यूनिफॉर्म, एक जैसा। अब देख लीजिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसका एग्जांपल दे दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अभी हम लोग डिस्कस किए थे, मिक्सचर ऑफ टू मोर सब्सटेंस, ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आइडेंटिकली थ्रू आउट, फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं कंपोज्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए द सब्सटेंस इन स्मॉलेस्ट अमाउंट गेट्स डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, स्मॉल अमाउंट में हमेशा सॉल्यूट होगा, और द सब्सटेंस इन लार्ज अमाउंट दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट, वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे आपका है, ये आपका हो गया टी सॉल्यूशन हो गया, इस पर वाटर सॉल्वेंट हो गया, और टी लीफ जो हो गया वो क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। जैसे हम लोग चीनी, यहाँ पर अगर चीनी पानी का घोल होता, चीनी पानी का, तो पानी हो जाता सॉल्वेंट और चीनी सॉल्यूट हो जाता। अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस कोलाइडल को बोला है, हेट्रोजीनियस लार्ज पार्टिकल डेट स्केटर द लाइट कोल्टिनियल इफेक्ट। एग्जांपल में हो गया मिल्क, फॉग, स्मोक, डस्ट, है ना, व्हिप्ड क्रीम, ये सब आपका कोलाइडल हो गया। अब देखिए ये जो आपका है ना सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर साइज होता है, और सस्पेंशन में 10^-7 मीटर होता है, ठीक है। इसको 10^-9 मीटर ले लीजिए, और इसके बीच जो आपका कोलाइडल होता है ना -8 होता है, कोलाइडल का इन दोनों के बीच होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल सॉल्यूशन का, फिर कोलाइडल का, फिर किसका, सस्पेंशन का। सस्पेंशन का दिखेगा, कोलाइडल का नहीं दिखेगा, सॉरी सॉल्यूशन का नहीं दिखेगा, कोलाइडल का भी नहीं दिखेगा, लगेगा कि एक ही जैसा है, पार्टिकल सेटल डाउन भी नहीं होता है। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सस्पेंशन एंड कोलाइडल। अगला है सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्सटेंस यानी सॉल्यूट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्सटेंस आर अनइवनली, इसमें एक जैसा नहीं रहेगा। आगे देखिए दे आर नॉट ठीक है, देखिए दे आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई बट विजिबल थ्रू द माइक्रोस्कोप। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है होमोजीनियस का माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, दे आर इजिली विजिबल टू द नेक्ड आई एंड ऑल्सो थ्रू द माइक्रोस्कोप। नेक्ड आई से दिखेगा तो माइक्रोस्कोप से तो इजिली है कि वो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अगला है इसका पॉइंट, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हम लोग कर रहे हैं, द पार्टिकल अपेयर स्मॉलर इन साइज, इसका जो होगा होमोजीनियस का पार्टिकल स्मॉलर इन साइज होगा, क्या होगा, स्मॉलर इन साइज, किसका, इसका स्मॉलर इन साइज
और इसका थोड़ा सा लार्जर होगा। इसका पार्टिकल का साइज 10^9 मीटर और इसका पार्टिकल का साइज 10^-, ग्रेटर देन आप कर लीजिए 10^-9 nm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका कुछ और है होमोजीनियस हेटरोजीनियस में, अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, और हेटरोजीनियस हैव मिक्स कंपोजिशन विथ में वेरी पॉइंट टू पॉइंट, हर जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद हो गया कंपोजिशन आर नॉट विजिबल इन नेक्ड डाय, इसका कंपोनेंट जो है दिखेगा, सॉल्यूट पार्टिकल इसमें नहीं दिखेगा, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल दिखेगा। आगे है द होल मिक्सचर इन सेम फेज, ऐसा लगेगा पूरा मिक्सचर एक ही जैसा है, इसमें डिफरेंट फेज दिखेगा, दो लेयर दिखेगा, क्लियर। आगे अब डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस, कंपाउंड और मिक्सचर में, ठीक है। देखिए, कंपाउंड आर केमिकली बाउंड, कंपाउंड क्या होता है, केमिकली बाउंड होता है, और मिक्सचर आर फिजिकली बाउंड नॉट केमिकली बाउंड, ठीक है। जैसे H2O है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन केमिकल बाउंड है, और यहीं पे आप ले लीजिए वाटर प्लस शुगर ले लीजिए तो वो फिजिकली बाउंड है। इसको हम अलग कर सकते हैं फिजिकल सब मेथड से, इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। कंपोनेंट कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड, अभी बताए कि इसका फिजिकली सेपरेट नहीं होगा, केमिकली होगा, इसका फिजिकली सेपरेट होगा। जैसे हम हीट कर देंगे, पानी उड़ जाएगा, नमक पानी का घोल है तो नमक बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है कंपाउंड शो देयर ऑन कैरेक्टर, कंपाउंड जो है उसका अपना कैरेक्टर शो करेगा। जैसे पानी है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा, ऐसे हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है, लेकिन पानी जो है बुझाता है, लेकिन कंपाउंड डू नॉट शो देयर कैरेक्टर, मिक्सचर, सॉरी यहाँ पे मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर डू नॉट शो देयर कैरेक्टर, ठीक है। जैसे चीनी है तो मीठा होता है, पानी तो दोनों अपना अपना कैरेक्टर शो करेगा। आगे देखते हैं रेशियो ऑफ कंपोनेंट इज फिक्स, इसमें जो है रेशियो फिक्स रहेगा, इसमें रेशियो फिक्स नहीं रहेगा, किसी भी रेशियो में रहेगा। एक गिलास में एक चम्मच चीनी भी मिल सकता है, दो चम्मच भी मिल सकता है, तीन चम्मच भी मिल सकता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें H2O हमेशा फिक्स रेशियो में रहेगा, मतलब जो भी होगा वो फिक्स रेशियो में होगा उसका कंपोनेंट, ठीक है। आगे देखिए कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, इसका वेरिएबल है, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। गाढ़ा है तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और पतला है तो कम हो जाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद है एनर्जी गिविन आउट, देखिए जब केमिकल बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देना पड़ता है। यहाँ देखिए इसमें बोल रहा है एनर्जी इज गिविंग आउट और इन टू प्रिपेयर कंपाउंड थ्रू द केमिकल सॉल्यूशन, केमिकल बॉन्डिंग बनाने में एनर्जी दिया जाता है या लिया जाता है, यहाँ पे देर इज नो एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, क्लियर। आगे चलते हैं, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन में डिफरेंस से ही हम आसानी से समझ लेंगे। देखिए आपका ये ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सस्पेंशन, साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर, और इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल है 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच है, और सस्पेंशन का जो कोलाइडल पार्टिकल है ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। जैसे ये हो गया चीनी पानी का घोल, ये चौक पाउडर पानी का घोल, और ये बालू पानी का घोल, ठीक है। अब देखिए फिल्टरेबिलिटी, फिल्टर कैसे किया जाए, फिल्टरेबिलिटी जो है वो क्या है, पासिंग थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड ऑल्सो थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, ये जो ट्रू सॉल्यूशन है ये फिल्टर पेपर से भी पास कर जाएगा और एनिमल के मेम्ब्रेन से, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उससे भी पास कर जाएगा। और ये है पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन,
एनिमल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं करेगा क्योंकि साइज बड़ा होता है इसका, और ये ना फिल्टर पेपर से पास करेगा और ना एनिमल मेम्ब्रेन से पास करेगा, इसका साइज बड़ा होता है। ठीक, अगला है, दो समझ गए। तीसरा, सेटलिंग यानी नीचे बैठ जाना। इसका पार्टिकल नीचे नहीं बैठेगा, इसका पार्टिकल भी नीचे नहीं बैठेगा, बट सेंट्रीफ्यूगेशन से बैठ जाएगा। जब पार्टिकल को गोल गोल घुमाया जाएगा, जैसे वॉशिंग मशीन में घुलता घुमाया जाता है, तो क्या होता है कि पार्टिकल, देखिएगा, डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाता है, तो इसके थ्रू हो, और ये इसको आप थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा। जैसे बालू वाला अगर पानी है तो थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा तो बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रहेगा। क्लियर? तो इट्स पार्टिकल इज नॉट सेटल डाउन, किस में? सॉल्यूशन में। इट्स पार्टिकल इज ऑल्सो नॉट सेटल ऑन बट बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसका पार्टिकल तो बैठ जाएगा आसानी से। अब विजिबिलिटी देखिए, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा, पार्टिकल आर इनविजिबल, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते, किसका? सॉल्यूशन का। किसका? सॉल्यूशन का। इसका पार्टिकल आर इनविजिबल टू नेक्ड आई बट दे स्केटरिंग इफेक्ट, लेकिन क्या है, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्केटर करेगा लाइट, पाथ ऑफ लाइट उसमें दिखेगा। आगे दिखाएंगे हम कैसे स्केटरिंग होता है। उसके बाद है, पार्टिकल आर विजिबल नेक्ड आई, इसका पार्टिकल आसानी से दिख सकता है, जैसे बालू वाला पानी हो तो दिखता है कि बालू का पार्टिकल उसमें है। क्लियर? उसका सेपरेशन द सॉल्यूट, इसमें हम सेपरेट कैसे करेंगे सॉल्यूशन को, देखिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड बाय, इसको हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, ये भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाएगा। देखिए, द सॉल्यूट सेपरेट बाय द ऑर्डिनरी फिल्टर बट कैन बी सेपरेटेड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत पतला फिल्टर लेना पड़ेगा, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, अगर मोटा पोरस वाला है तो नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ा है उसका। उसके बाद इसका जो पार्टिकल है वो डिफ्यूज कर जाएगा, आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा जल्दी, इसका स्लोली इंटरमिक्स होगा, इसका मिक्स होगा ही नहीं। कभी देखें बालू पानी आपस में मिलते हुए? नहीं, चौक पाउडर थोड़ा सा मिल जाता है और दूधिया कलर हो जाता है, बट इसका तो आसानी से हो जाता है। तो ये था आपका कोलाइडल सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस। अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए साइज देख लीजिए आप, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज देख लीजिए, ये आपके ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज है, कितना छोटा है, 10^-9 होगा इसका, ये हो जाएगा 10^-9 से 10^-7, और ये हो जाएगा पार्टिकल साइज मोर देन 10^-7। ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसका साइज़ का पार्टिकल देख लिए और इसके साइज़ का पार्टिकल देखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे फिर वहीं पे -7, -9 है ना, कितना सस्पेंशन का बड़ा पार्टिकल है, कोलाइडल का उससे छोटा, सबसे छोटा ट्रू सॉल्यूशन का। आगे देखते हैं और कुछ क्या है, देखिए यहाँ पे आपको टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे तीन फिगर है, तीन जार है, एक है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलाइडल और एक है सस्पेंशन। देखिए ट्रू सॉल्यूशन में ये जो पीला कलर का पाथ है दिख रहा है, इस पे पाथ नहीं दिखेगा, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। बट कोलाइडल में आपका पाथ दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा हल्का सा स्केटर हो गया लाइट, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, पाथ दिख रहा है। सस्पेंशन में भी पाथ दिखता है, लेकिन जब सस्पेंशन ट्रांसपेरेंट हो तब, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसी को, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ स्केटरिंग ऑफ वाइट लाइट थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्लियर, और आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल है यहाँ पे आपका एलिमेंट का, कंपाउंड का और मिक्सचर का, देख लीजिए। जैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये देखिए एलिमेंट में एटम का अरेंजमेंट कैसे है, सिंगल काइंड ऑफ एटम अरेंज है, जैसे प्योर गोल्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या हो गया, और ऑक्सीजन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें, इसमें सिंगल काइंड ऑफ एटम था, इसमें देखिए कंपाउंड में दो काइंड ऑफ एटम हो गया, एक ये वाला ब्लू वाला और एक पीला वाला, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपका वाटर, और ये रस्ट, ये भी कंपाउंड है।
तो इसमें दो तरीके का, दो या दो से ज़्यादा एटम हो सकता है लेकिन फिक्स रेशियो में, ठीक है। अब देखिए आपका मिक्सचर, मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा तो पार्टिकल है लेकिन कोई फिक्स रेशियो नहीं है। जैसे आपका एयर हो गया मिक्सचर हो गया, सी वाटर हो गया मिक्सचर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए एलिमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है सब एक ही तरह का, यहीं पे अगर कंपाउंड होता, यहीं पे अगर कंपाउंड होता, मान लीजिए ये एलिमेंट है तो सिंगल काइंड ऑफ एटम है, और कंपाउंड होता तो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होता। तो डिफरेंट काइंड ऑफ, देखिए ब्लू वाला लाल वाला डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, ठीक है। तो लगभग चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए इसमें, है ना, होमोजीनियस हेटरोजीनियस क्या है। अब एक लेक्चर और होगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।